हरित ऊर्जा एवं डी कार्बनाइजेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। आज भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 160 गीगावाट पार कर चुकी है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 हरित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 का शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एनटीपीसी महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम में 100 मेगावाट और कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सोलर प्लांट जलाशय पर है, जो कि एक नवीनतम तकनीक है। इससे न सिर्फ दुर्लभ भूमि का बचाव होगा, बल्कि जल संरक्षण भी होगा। इन दोनों परियोजनाओं से 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को साल भर की बिजली मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। राजस्थान स्थित 735 मेगावाट नोक सोलर पीवी प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। इस परियोजना में पहली बार देश में उत्पादित उच्च वाट क्षमता के बाईफेशियल मॉड्यूल ट्रैकर सहित लगाए जाएंगे। इससे देश में सोलर मॉड्यूल उत्पादन उद्योग को गति मिलेगी। विकास और पर्यावरण दोनों पर बल देते हुए दूसरी परियोजना प्राकृतिक गैस के साथ देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के रूप में कवास गुजरात में स्थापित की जा रही है। ये परियोजना एलएनजी के आयात में कमी और गैस आधारित अनुप्रयोगों के डीकार्बनाइजेशन को सुनिश्चित करेगी। तीसरी परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। इस परियोजना से लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी का आरंभ होगा। इन परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भविष्य के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल करने में मदद मिलेगी।